बहुत बड़ा गलती कर दी यहाँ पे आके, इतना चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ है, नहीं आना चाहिए था, एकदम नहीं आना चाहिए था, इतने भीड़ में एकदम फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह से। पर फैमिली वेलकम बैक टू आवर चैनल नेहा इन दिसाल ब्लॉग्स। तो पेश है ये नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो देखिए अभी तक हम लोग नहाए नहीं है, 9 बज गया 9:30 बज रहा है और घर में आरती भी हो रहा है। तो चलिए आपको पहले दिखाते हैं आरती। देखिए यहाँ पे आरती हो रहा है, आरती भी कर रहा है, हम लोग आरती भी नहीं कर पाए। और प्यारा यहाँ खेल रही है नाना के साथ और बानू के साथ। तो आज तो दशहरा है जैसा कि आपको पता है, तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। और ये वीडियो तो कल आएगा। और यहाँ पे तनु क्या कर रही है, आरती कर रही है। आज दशहरा है जैसा कि, तो हम लोग लहसुन प्याज आज से खा सकते हैं। तो आज लहसुन प्याज से बन रहा है सारा खाना, तो आपको दिखाएंगे। वैसे तो अभी नाश्ता बन रहा है, तो आपको दिखाएंगे कि हम लोग क्या क्या खाते हैं। और उसके बाद हम लोग जाएंगे पंडाल सब घूमने, वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज मतलब बहुत जगह का मूर्ति मतलब उठ ही जाएगा शायद। हे गाइस, जैसा हम लोग बोले थे कि मेला आने वाले हैं, तो अभी आए हैं लाइंस क्लब। आपको अभी पंडाल दिखाएंगे। हो सकता है आवाज़ मेरा कट कट के आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हल्ला हो रहा है। घूम पाई है इतना भीड़ में? बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा। दिखाओ यहाँ से अंदर तक, कैसे हम लोग अंदर जाएंगे पता नहीं। जैसे सब जाएगा, जैसे सब धक्का धुक्की करके जाएगा वैसे ना। चलो धीरे धीरे। हे गाइस, यहाँ तो पंडाल है, लेकिन पंडाल दिखाने से पहले आप इस भीड़ को देखिए। इतना भीड़ है कि दिमाग खराब हो रहा है इतना भीड़ देख। तो गाइस यही पंडाल बना है और अंदर मूर्ति है, बहुत खूबसूरत पंडाल और मूर्ति दोनों है। कहाँ जा रही हो? अंदर जाओगी? क्या रहा, अंदर जाएगी? और संभाल के रखना चैन, स्नैचिंग भी हो सकता है, क्योंकि इतना भीड़ है चारों तरफ। और अपना सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम नेहा को ये बात बोल रहे हैं। और भीड़ आप देख ही सकते हैं, अभी तो पहले ही जगह आए। क्या कर रही है? क्या रहा? बहुत अच्छा। ठीक है, इतना भीड़ है कि एक फोटो भी खींचने में 5 मिनट लग रहा है, क्योंकि आदमी आगे से बार बार क्रॉस कर रहा है। और पंडाल यही है, और चलो अंदर नहीं जा पाएंगे, बहुत भीड़ है। क्या रहा, आओ गोदी, इसी टाइप से आदमी आगे से क्रॉस करता है तो फोटो भी क्लिक करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। चलो, इतना भीड़ है कि निकलने में भी हम लोग को 5 मिनट लग गया। क्या है, बहुत भीड़ है। हाँ, क्या हुआ? अच्छा चलो इधर, हम तो फंस गए थे, हम इतना भीड़ है ना। और तुम गलत डायरेक्शन में भी आ गई थी, उधर से हम लोग को एग्जिट करना था ना। क्या रहा, चलो। हे फैमिली, तो क्या रहा स्कूटी में बैठ गई है, अब बोल रही है दूसरा जगह जाएंगे पापा। चले नेहा, तुम वहाँ कांच में आ रही हो, बहुत भीड़ है। चलो अब दूसरे जगह देखते, दूसरे जगह का काम कितना भीड़ है। चलो, तो अब आने वाला है कप्तान पारा, कप्तान पारा में जो बैठता है दुर्गा जी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। भीड़ में हम लोग आए हैं और यहाँ भी उतना ही भीड़ है, अंदर भी उतना ही भीड़ है, यहाँ भी उतना ही है। नया आदमी देखो ना, दूर से लग रहा चीटी, हम लोग भी आगे जाके चीटी हो जाएंगे। पिछले बार यहाँ पे वो हुआ था, यहाँ बीच में क्या बोलते हैं तालाब टाइप का बनाया था, और कल इतना बारिश हुआ कि पूरा भींग चुका है, चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है।
कपड़ा गंदा होगा, थोड़ा उठा लो। ये है पंडाल यहाँ का, सुंदर है ना, वहां से कम भीड़ है, थोड़ा पूरा बांस का है और अंदर में माँ का मूर्ति है, ये मूर्ति है अंदर और काफी भीड़ है, हम निकल भी रहे हैं, इतना ज्यादा भीड़ हो रहा है। आराम से नया 11 को गोदी में ले लो, लाओ आ बेटे गोदी। पंडाल के पीछे अभी ढोल बज रहा है और 11 से पूछते हैं वो डांस करेगी कि नहीं, और बहुत तेज आवाज है। क्यारा तो लग रहा है हैंगओवर में, ये नहीं होगा प्रॉपर डांस बिना किसी टेंशन का, बिना किसी मतलब डर का। तो अभी हम लोग पंडाल देख के लौट ही रहे थे, तो रास्ते में ये भसान मिला और बहुत ज़्यादा इसमें भी भीड़ था और पूरा सजा हुआ लग रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा। तो हम लोग पंडाल देख के आ गए थे और फिर तनुलों के साथ जा रहे थे यहाँ पंडाल देखने, और फिर जाम मिला और यहाँ आदमी का जाम है, आदमी ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा गंद। Hey guys, तो अभी हम लोग पहले घर गए थे और घर जाने के बाद फिर से निकले हैं जहाँ जाम में था, क्योंकि 11 पास में थी, उसको नींद आ रहा था, तो हम लोग चले गए और जाम में फंसे, फिर से जाम में आ गए, इतना भीड़ है, कहाँ पे जाना है। तो ये है पूर्णिया के ठाकुर बाड़ी का पंडाल और मूर्ति बहुत खूबसूरत, और यहाँ भी चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। हमको लगता है इस वीडियो में हम 50 बार भीड़ का यूज कर दिए, तो वीडियो अगर जो देख रहे हैं कमेंट करके बताइए हम कितने बार भीड़ बोले। किधर जाना है आप? अंदर वहाँ है तो, लेकिन भीड़ बहुत होगा, घूम नहीं पाओगी। चलो तीन टिकट, 10 देखते हैं, तो टिकट मिल गया उस पर जाना है। चलो भीड़ कितना है देख रही हो, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा के बाद हम लोग का नंबर आएगा। चलिए देखते हैं कितने देर में, चलो अंदर एंटर हो। मेला तो गाइस फाइनली आधा घंटे के बाद हम लोग नाव पे बैठ गए हैं, और नाव पे बैठने के बाद हम लोग तो यहाँ पे बैठे हैं बिल्कुल एंडिंग पे, और तन्नू लोग वहाँ पे बैठे, दिखाते हैं अभी, डर से वहाँ बैठी है वो बीच में ताकि डर ना लगे। और हम दोनों का हालत खराब है, दोनों का दोनों का फेस देखिए। अब बंद हो गया। पानी में धू लगी अपना भी दोबारा। बस गया है और यहाँ पे बना था केदारनाथ, बहुत सुंदर पंडाल बना है यहाँ पे भी। तो ये बनाया है केदारनाथ का। तो और कहीं घूमना है? लखीसराय में भी बनाया था, और लखीसराय में भी सेम बनाया था केदारनाथ का ये पंडाल। हाँ, ये दिन का है इसलिए लाइटिंग का वर्क नहीं दिख रहा है। हाँ, रात का है इसलिए वहाँ दिख रहा है। तो यहाँ का तो मूर्ति बस गया, यहाँ तो नहीं हम लोग प्रणाम कर पाए। तो चलिए अब घर चलो, चलो पानी घूम ली ना। क्या बोल रहे थे? जो बीच में बस रहा था वो यहीं का मूर्ति। हाँ चलो,